तुम भी कितने बुद्धू हो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं वैसा सपना देखना चाहता था। जो
जैसा होता है वो वैसा ही सपना देखता है नोबिता, समझे? तो सुनियो, नोबिता तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि कोई नर्सरी का बच्चा बात करता है। भला सपने में ऐसा होता है क्या? हाँ ठीक है, मैं नर्सरी क्लास में हूँ। नोबिता रुको, अब तुम बताओ जियान के तुमने सपने में क्या देखा? मैंने सपने में देखा कि एक बहुत बड़ा स्टेज है और मैं वहाँ पर गाना गा रहा हूँ, और जानते हो सुनियो, उन सबको मेरा गाना बहुत अच्छा लगा। ये सपना ही है। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था जियान। नोबिता मुझे जलन हो रही है, तुम तो इतने अच्छे अच्छे सपने देखते हो, काश मैं भी ऐसे सपने देख सकती। तो तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो ना? नहीं नहीं नोबिता, मैं मजाक नहीं उड़ा रही, मैं भी सच में कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं जानवरों से बात कर सकती तो कितना अच्छा होता है ना। मैं आ गया। मॉम, मॉम मुझे स्नैक्स चाहिए। हाँ? वो तो यहाँ पर नहीं है। ये तो वही फूल है। फायरफ्लाई इस फूल के अंदर थी। तुम ये कहना चाहते हो कि वो कोई सपना नहीं था? हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब तुम सच में बोलने वाले जानवरों की दुनिया में गए थे क्या? हाँ। और वो भी बिना किसी गैजेट के? हाँ बिना गैजेट के। देखो नोबिता, तुमने मुझसे तो कह दिया किसी और से मत कहना वरना सब तुम पर बहुत हंसेंगे। पर ये फूल तो है। कहीं तुमने नींद में इस फूल को पार्क में से तो नहीं तोड़ लिया? मैंने ऐसा फूल पहाड़ के पीछे तो नहीं देखा। ये यहाँ तो नहीं हो सकता, कितनी बुरी बात है। हा? ये तो मॉम की आवाज है। फिर तो वो लोग यहाँ से सारे पेड़ों को हटा देंगे, क्यों है ना? हाँ बहुत जल्दी ये पूरी जगह बिल्कुल बदल जाएगी, सचमुच कितना बुरा होगा। जब मैं छोटा था तो यहाँ पर घूमने के लिए आया करता था। पहले यहाँ पर जुगनू भी उड़ा करते थे। वैसे भी आजकल हरियाली बहुत तेजी से गायब हो रही है, पता नहीं इस जगह का आखिर होगा क्या। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं छोटा था तो यहाँ पर फिशिंग किया करता था। हाँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। चलकर शहर के सभी लोगों को इकट्ठा करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। हमें इसके लिए कुछ करना होगा। हमें इस पहाड़ को कटने नहीं देना चाहिए। हमें जल्दी से जल्दी लोगों से मिलकर कुछ करना होगा। मॉम बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर आपके आंदोलन के लिए कुछ मदद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। नोबिता तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है बेटा? लेकिन मॉम मेरे ख्याल से ये मुसीबत अलग है। मॉम आपको ये फूल कहाँ से मिला? ये फूल तो मुझे तुम्हारे कमरे के सामने से मिला। मेरे कमरे के सामने? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ठीक है।
में तो बैम्बू कॉप्टर भी काम नहीं करेगा, इसलिए मुझे इस गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए। एक मिनट रुको, पता है ये बहुत ही कमाल का गैजेट है, इसकी मदद से हम तूफान और बारिश किसी